हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक मेकअप नो मेकअप लुक दिखाऊंगी जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो आज मैं आपको बिल्कुल अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर ही ये मेकअप दिखाऊंगी जो बहुत इजीली आपके ये हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आप अपनी स्किन को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए, देन यहाँ टोनर यूज़ कीजिए। मैं यहाँ पे गुड वाइब्स की टोनर यूज़ कर रही हूँ। टोनर यूज़ करने के बाद उसे कुछ टाइम के लिए ड्राई होने दीजिए। देन नेक्स्ट आप लोग सीरम यूज़ कीजिए। मैं यहाँ पे गुड वाइब्स की विटामिन सी सीरम यूज़ कर रही हूँ। सीरम यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, वो आपकी स्किन को स्मूथ करती है, इवन करती है, तो ज़रूर लगाइए। और विटामिन सी जो है वो आपकी स्किन में जो दाग धब्बे है, पिगमेंटेशन है, वो कम करती है। सीरम लगाने के बाद मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। ये है निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र। सो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, लेकिन अगर लाइट मॉइस्चराइज़र है तो ज़्यादा अच्छे हैं, तो क्योंकि वो आपकी स्किन के ऊपर उतना हार्ड नहीं होती है, सॉफ्ट रखती है आपकी स्किन को और अच्छी तरह से मॉइस्चर करती है। तो लगाने के बाद आप अपने फेस में अच्छी तरह से उसे मसाज कीजिए। देन आप लोग अपने नेक के ऊपर भी लगाइए, आप अपने नेक को मत छोड़िए, नेक ईयर सब में अच्छी तरह से लगाए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे पॉन्ड्स की बीबी क्रीम यूज़ करी हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल एक नेचुरल लुक रख रही हूँ। सो इस वजह से मैं कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ। सो जो बीबी क्रीम या फिर सीसी क्रीम जो होती है वो बहुत नेचुरल होती है, जिस वजह से मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। उसे अच्छी तरह से आप ब्लेंड कर लीजिए। उसे सेट करने के लिए मैं यहाँ पे नायका की कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। कॉम्पैक्ट पाउडर आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिए, फाउंडेशन या फिर बीबी या फिर सीसी क्रीम जो भी लगा रहे हैं उसे सेट करने के लिए आप लोग कॉम्पैक्ट पाउडर ज़रूर यूज़ कीजिए। उसके बाद अपने आईब्रो को ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो पैलेट ही यूज़ कर रही हूँ। उसके साथ मैं ये एंगुलर ब्रश से उसे ठीक करूँगी। यहाँ पे आपको तीनों कलर मिल जाएगी, जो सेकेंड कलर है उससे मैं ये ठीक कर रही हूँ। उसके बाद यही आईब्रो पैलेट की जो नीचे की कलर है, जो थोड़ी सी डार्क कलर है, उससे मैं अपने एज ए काजल इसे यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं काजल लगाने के बाद ना मेरी आँखें बहुत ख़राब लगती है। सो जिस वजह से मैं इस पाउडर से ही अपने एज ए इसे काजल यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग को काजल से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप लोग डायरेक्ट काजल ही यूज़ करें। नाउ मैं अभी मेबलिन न्यूयॉर्क की सेंसेशनल मैट जो लिपस्टिक है उसे एज ए ब्लश यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होता है, आपकी स्किन में एकदम नेचुरल ब्लश लगती है, कोई आर्टिफिशियल नहीं लगती है। इसे आप लोग एज ए हाथों से भी डैप कर सकते हैं या फिर आप लोग स्पॉन्ज से भी ब्लेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हाथों से ही कर रही हूँ, तो इससे एक बिल्कुल नेचुरल एक फिनिश आपको मिलती है। उसे सेट करने के लिए मैं यहाँ पे फिर से कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ, ताकि ये जो ब्लश है वो बिल्कुल सेट हो जाए। नेक्स्ट मैं अभी मेबलिन न्यूयॉर्क की कोलोसल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। ये मस्कारा मेरी फेवरेट है, बहुत ही अच्छे एक मस्कारा है। उससे मैं अपनी आई लैश के ऊपर अच्छी तरह से यूज़ करूँगी। इससे जो आपकी लैशेस है वो बहुत थोड़ी सी बड़ी भी लगते हैं और आपकी आँखें भी खूबसूरत लगती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे जिससे मैंने ब्लश यूज़ की थी, मतलब मेबलिन न्यूयॉर्क की सेंसेशनल मैट लिक्विड लिपस्टिक, इसके जो शेड है 06, उससे मैं अपनी लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। सो ये है मेरी मेकअप नो मेकअप लुक। ये बहुत ही नेचुरल मेकअप है, बहुत जल्दी ये हो जाती है और मैंने बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ ये आपको दिखाया है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और कैसे लगी ये वीडियो वो भी मुझे बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।